हेलो गाइस, मैं अंकुर आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में गाइस मैं रिव्यू करने वाला हूं इंस्पायर फैन लिमिटेड आईपीओ का। हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। इस आईपीओ की इम्पोर्टेंस इस बात से हो जाती है क्योंकि इसके सेगमेंट के दो आईपीओ ने भी रिसेंटली धमाल मचाया। एक ने तो करीब 200% का लिस्टिंग गेन लगभग और रिटर्न बना के दिया है कुछ ही दिनों में, और दूसरा भी धमाका करने को तैयार है और ये उसी कैटेगरी का तीसरा आईपीओ है इंस्पायर फिल्म्स लिमिटेड। तो यहाँ पे धमाकेदार ग्रे मार्केट फिल्म इसकी भी निकलती दिख रही है। डिटेल में चर्चा करेंगे इस आईपीओ में जाने है नहीं है, रिस्क फैक्टर क्या रहने वाले हैं, सेफ्टी कितनी रहने वाली है ग्रे मार्केट में, और सब कुछ आपके साथ साझा करने वाला हूं। वीडियो पूरा देखना बिना स्किप किए ताकि बेहतर तरीके से सारी जानकारी आप समझ पाओ और आप इसका फायदा उठा पाओ। तो यहां पे गाइस इस आईपीओ की डिटेल्स हम देख लेते हैं। आईपीओ 25 को ओपन हो चुका है, क्लोजिंग डेट इसकी 27 रहने वाली है, अलॉटमेंट डेट 3rd of October, लिस्टिंग डेट 6th of October रहने वाली है। स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे ₹59 प्राइस बैंड रखा गया है जो अपर प्राइस बैंड। आईपीओ का साइज छोटा है, 21.19 करोड़ का, यानी 21 करोड़ का आईपीओ है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। 2000 शेयर अलॉटमेंट मिलने वाले हैं जिसके लिए आपको 1,18,000 पे करना पड़ेगा। एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा। 35% कोटा रिटेलर के लिए रखा गया है आईपीओ के पूरे कोटे में, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे इस बिजनेस की बात करें तो आपके सामने स्क्रीन पे है जैसा इसका नाम है इंस्पायर फिल्म्स, तो ये फिल्म्स वाले काम करती है, ठीक है। कई सारे टीवी सीरियल, ओटीटी पे कई सारे वेब सीरीज जिसमें से बड़े बड़े नाम है, उसके साथ ही कई सारे रीजनल टीवी सीरियल भी बनाती है। यहाँ पे कुछ तो आपको पता होंगे, जैसे डिज्नी हॉटस्टार पे ये बनाती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे स्टार प्लस पे, कलर्स पे, वी पे, ठीक है, एमएक्स प्लेयर हो गया इसके लिस्ट में, ऐसे बहुत सारी लिस्ट है। करंट प्रोजेक्ट ये डियर इश्क तू, जख्मी है एमएक्स प्लेयर पे, गौना शमारो उमंग पे और बाजी इश्क की, इस पे काम कर रही है, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे क्लाइंट्स देख लो इनके, काफी अच्छे अच्छे हैं, स्टार प्लस, सोनी, जी टीवी, लाइफ, जियो सिनेमा, ठीक है। और ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ है, आप में से कोई जानता हो तो बताना ये कौन से दोनों चैनल है, ठीक है। इसके साथ ही गाइस लाइफ ओके, जियो सिनेमा, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, वुड सेलेक्ट, स्टार गोल्ड, यूट्यूब, इनके साथ भी ये काम करती है। तो यहाँ पे ये डिजिटली फिल्म्स बनाती है जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन, टेलीविजन कंटेंट, डिजिटल कंटेंट और रीजनल कंटेंट भी बनाती है। इसमें से देखो तीन वर्टिकल बिजनेस करती है, एक तो मैंने आपको बता दिया टीवी, दूसरा इसका ओटीटी और रीजनल कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे काफी शानदार बिजनेस है और आपको पता है ये बिजनेस ग्रो करने वाला है। अगर जो सब टीवी में काम करती तो मुझे लगता है कि ठीक, अब तो लोग सीरियल कम देखते हैं, अब तो लोग वेब सीरीज मूवी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मूवीज ही बना रही है, ठीक है, रीजनल कंटेंट भी बना रही है और काफी सारा इसका जो है क्लाइंट बेस स्ट्रांग है। तो यहाँ पे क्लाइंट अगर जो अच्छे होना तो बिजनेस आपको मिलता मिलता है। तो यहाँ पे बिजनेस जो है वो बढ़िया है और ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में भी चलने लायक है, शॉर्ट टर्म में भी अच्छा खासा गेन दे जाएगा, यानी कि लिस्टिंग के हिसाब से। तो अभी फाइनेंशियल्स में देख लेंगे कि क्या ये पैसा कमा रहा है, बिजनेस जितना अट्रैक्टिव लग रहा है उतना अट्रैक्टिव है या नहीं है। बट फाइनेंशियल्स बताने से पहले बता दूं कि आपने अभी तक टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको यहाँ पे काफी सारी कॉल्स देखने को मिल जाती है, लेवल देखने को मिल जाते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, यहाँ देखो बैंक निफ्टी कॉल 190 पॉइंट गेन, यहाँ देखो इंट्राडे कॉल, स्विंग कॉल, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, इंट्राडे कॉल, पोजिशन कॉल, स्विंग कॉल, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल, सपोर्ट के लिए ऑडियो और बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 पे इसका लिंक है, नंबर 2 पे दूसरे टेलीग्राम चैनल का जहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज, सब्सक्रिप्शन डिटेल, जीएमपी आती है, और तीसरा इंस्टाग्राम का, तीनों को ज्वाइन कर लो, बहुत सारे बेनिफिट आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। वापस आ जाते हैं, फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस एसेट देखेंगे, वैल्यू जो है लाख्स में है, मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बता दूंगा, 28.49 करोड़ का, फिर 30.53 करोड़ का और फिर 41.59 करोड़ का, ये इनका एसेट है, तो अच्छी जम देने को मिल रही है। रिवेन्यू की बात करें तो 19.42 करोड़ का, फिर 38.15 करोड़ का और 48.84 करोड़ का, बढ़िया है, यहाँ पे शानदार रिवेन्यू कह सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात करें तो यहाँ पे 83 लाख का लॉस में था, फिर 25 लाख प्रॉफिट बना और सीधे सीधे अभी जो जंप लगाया है वो 4 करोड़ का प्रॉफिट बना है 2023 में। तो यहाँ पे कंपनी जो है लॉस में थी, प्रॉफिट में आई थोड़े से और फिर काफी शानदार जंप है। लेकिन अगर जो ये वाला जो जंप है 11 साल का डेटा और होता तो थोड़ा सा ट्रस्ट कर पाता मैं इस कंपनी पे, लॉस को अपने कवर करके प्रॉफिट में आई है, नो डाउट, बस 25 लाख के प्रॉफिट में, और उसके बाद मैं मानता हूँ 4 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, लेकिन ये सिर्फ 1 साल का डेटा, अगर जो 11 क्वार्टर का डेटा मुझे और मिल जाता तो थोड़ा सा इस पर ट्रस्ट कर पाता। तो फाइनेंशियल्स ओके हैं, बढ़िया है, बिजनेस ज्यादा अट्रैक्टिव है, बिजनेस ज्यादा बढ़िया है, फाइनेंशियल्स उससे थोड़ा सा कम बढ़िया है, लेकिन ठीक है। और अगर जो डेटा 1 साल का मिल जाता तो मैं ज्यादा ट्रस्ट कर पाता, बट अभी थोड़ा सा कम ट्रस्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है, अभी आगे बताऊंगा ये ट्रस्ट वाली बात को भी कि क्यों ऐसा है। यहाँ पे रिजर्व सरप्लस की बात करें तो 13.10 करोड़ का रिजर्व सरप्लस भी इनके पास और 8.36 करोड़ का यहाँ पे बोरोइंग भी है, मतलब ये कर्जे में है कंपनी 8.36 करोड़ की, और बिजनेस है यार बोरोइंग तो रहेगा रहेगा, लेकिन बोरोइंग जब ज्यादा होती है ना तो दिक्कत होता है। तो यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देख लेते हैं, पहले हम बोरोइंग वाली बात निपटाते हैं। डेप्थ इक्विटी रेशियो 0.64 है, तो 0.5 से ज्यादा है, रिस्की है, लेकिन 1 से कम है, काम चला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंपनी ने बोला भी नहीं कि हम डेट रीपेमेंट करेंगे या कुछ भी ऐसा, ठीक है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और इशू के एक्सपेंसेस के लिए पैसा उठा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो
चीजें आप देखोगे ना तो सही लगेंगी आपको। आरओई 30.88 बढ़िया है, आरओसी 32.10 बढ़िया है, ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है, डेट टू इक्विटी रेशियो काम चलाने वाला है, एडजस्ट कर सकते हैं। ईपीएस यहाँ पे गाइस आपको 3925 देने को मिल रहा है, लेकिन ये गलत है, ठीक है, इसके हिसाब से 3.9 होना चाहिए, बट जो करंट ईपीएस है वो हमें 4.18 देने को मिल रहा है, ठीक है। तो ईपीएस से आप पी निकाल सकते हो, 4.18 से आप इसका प्राइस बैंड डिवाइड करोगे तो आपको करीब 14.11 इसका पी देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीजें ठीक है, जैसे आरओएनडब्ल्यू काफी बढ़िया है, ठीक है, ये चीज गलत थी, मैंने आपको बताई थी। अब पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं, बाकी मैंने आपको सब बताई दिया। तो यहाँ पे पीयर जो है बालाजी टेलीफिल्म्स है, बोट्री है, वीआर फिल्म्स है, तो आप देखोगे कि लगभग ये नेक टू नेक प्राइस बैंड लेके आई है, जैसे बालाजी फिल्म्स इनसे सस्ती है, ठीक है, और बोट्री का जो पी है वो 51 का है तो महंगा है। वीआर फिल्म की बात करूं तो 10.24 इनसे सस्ता है। तो अगर जो ओवरऑल कंपैरिजन में देखें तो जो ये अर्निंग कर रही है, इनके ऊपर डेप्थ है और सारा कुछ ग्रोथ को देखें, मतलब छोटी लिस्टिंग के लिए हम इस आईपीओ में जा सकते हैं। इस आईपीओ में लेकिन थोड़ा सा रिस्क फैक्टर जाने वाला, एक तो लॉन्ग टर्म में अवॉइड करना है, शॉर्ट टर्म में भी नहीं जाना है, सिर्फ लिस्टिंग के लिए जाना है और आपको सब्सक्रिप्शन देख के जाना है। अगर जो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है इसके साइज के हिसाब से देखा जाए तो अप्रॉक्सिमेटली 40-45 तो होना चाहिए, मतलब 45-50 मान लो आप, अगर जो इतना हो जाता है तो आप सेफ्टी में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज रिस्क फैक्टर के साथ छोटी लिस्टिंग में जा सकते हो। अभी जब मैं करंट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसका जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हमें करीब 30 से 35 रुपए देने को मिल रहा है, और इसके हिसाब से अगर जो आप देखोगे करीब 70,000 रुपए गेन होता है, ठीक है, और 70,000 के हिसाब से एक लॉट में गेन देखिए करीब 59-60% के आसपास गेन आएगा। तो यहाँ पे 7% का गेन है, ठीक है, बाकी सब्सक्रिप्शन देख के अगर जो आप जाओगे तो सेफ रहने वाला है। कंपनी का जो बिजनेस है देखो, डेप्थ का एक इशू है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है पर है। दूसरी चीज यहाँ पे मैंने कंपनी का बताया ट्रस्ट वाला इशू, कि कंपनी ने अचानक से ये प्रॉफिट बनाया, कुछ 2-3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। ये चीजें हैं जो हम देख रहे हैं, तो बड़े प्लेयर भी देखेंगे, तो बड़े प्लेयर यहाँ पे पैसा डालते नहीं डालते हैं ये चीजें देखना बाकी है, वो देखने के बाद ही सेफ होगा। अगर जिसने 2-3 साल का प्रॉफिट बनाया होता ना और जंप अच्छी देखने को मिली होती तो मैं बिल्कुल बोलता सेफ है, लेकिन उस वजह से रिस्क रहने वाला है, ठीक है। तो ये इसमें रिस्क है और बाकी जीएमपी और सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया। इसका सब्सक्रिप्शन डिटेल और सारा कुछ न्यूज चैनल पे मैं डाल दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है ज्वाइन कर लो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि ऐसी वीडियोस आपके लिए हमेशा हम लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, करते वीडियो के अंदर। थैंक यू वाचिंग गाइस, प्लीज टेल दिस टू एवरीवन एंड बाय बाय फॉर नाउ।